हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सबसे पहले तो जो है फिल्म के जो है डायरेक्टर मंजूर जी और प्रोड्यूसर जो है मित्तल जी हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाइयां दूंगा कि आज एक फिल्म दुनिया की मुहूर्त हुई है। और जाहिर सी बात है, ये खुशी की बात है कि जब किसी फिल्म की मुहूर्त होती है तो उसमें जब कम से कम जो है 200-400 लोगों को काम मिलता है तो बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक रोल की बात है तो अभी ऐसा कुछ जो है स्टोरी सुनाई नहीं गया, अभी तो आज मुहूर्त हुई है, अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। और इतना है कि बताया गया कि ये जो है फिल्म जो है फैमिलियर फिल्म है, एक परिवार की पृष्ठभूमि पे है कि परिवार में किस तरह से लोग रहते हैं, परिवार किस तरह बिखरता है फिर किस तरह मिलता है, एक पारिवारिक कहानी है, एक परिवार की पृष्ठभूमि पे आधारित है फिल्म। एक बार फिर से आपके सारे जी के साथ दुश्मनी मोल लेके या दुश्मनी करने का मौका मिल रहा है फिल्म में, दुनिया में क्या हुआ, दोस्ती हुआ कि दुश्मनी हुआ? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो है अभी मोस्टली फिल्मों में तो मैं नेगेटिव ही करता हूँ, एज अ हीरो भी कर रहा हूँ, एक दो फिल्में भी आ रही हैं अभी, जैसे बलमा डेरिंग बाद जो है अभी यूट्यूब पे उसके ट्रेलर और गाने आ गए हैं, एज अ लीड आ रहा हूँ, एज अ हीरो आ रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव भी कर रहा हूँ। डिपेंड ऑन मुझे कि ये नहीं मेरी सोच है कि मुझे हीरो ही करना है, मुझे विलन ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मायने रखता है फिल्म में मेरे लिए रोल कैसा है, कैसा रोल है, अगर किरदार अच्छा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉमिक भी हो, मैं सभी करता हूँ। आपके दोनों किरदार लोगों को पसंद आते हैं, चाहे वो नायक की भूमिका हो चाहे वो खलनायक की भूमिका हो, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों की? मतलब मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं, दर्शक बोलते भी हैं कि आज जी आप जिस भी रूप में आते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कॉमिक, बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग, तो ये मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिंग है, बहुत खुशी की बात है। एक एक्टर को क्या चाहिए, उसके दर्शक, उसके जो है फैंस, उसके फॉलोअर्स उसकी एक्टिंग को, उसकी कला को लाइक करे। अगर आज ऑडियंस अयाज खान को लाइक करती है तो उसकी कला से लाइक करती है कि आप जो एक्टिंग करते हो बिल्कुल नेचुरल लगता है। थैंक्स टू जो है हमारे फैंस, थैंक्स टू अल्लाह कि जो मैं, जो मेरे काम को मेरे दर्शक पसंद करते हैं, और मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगा कि मतलब ऐसे ही अच्छा काम करता रहूं और दर्शक मुझे चाहते रहें, मुझे प्यार देते रहें। अजय भाई, जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया और उनको ख़त्म किया गया है, तो क्या प्रक्रिया होगी भारतवासी होने की, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी की बात है कि जो है हमारे देश में जो है मोदी जी ने जो है कश्मीर में जो है 370 की धारा को जो ख़त्म किया है, जैसे जो है भारत के जो है पूरे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जैसे रूल और जैसे रूल्स और कानून चलते थे वहाँ हमारे कश्मीर में भी चलेंगे, तो अच्छी बात है। और कि कश्मीर का भी डेवलप होगा, वहाँ के लोग यहाँ, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के लोग वहाँ के जाके बस भी सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ सोचे ना, आदमी करे और अच्छा करे, देश के हित के लिए करे। मैं ये कहता हूँ कि सभी एक है, आज इस देश को आज देश को आज़ाद हुए 72 साल होने जा रहे हैं, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, तो इस स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने, वो किसी भी जात धर्म के हो, सभी ने मिलके लड़ा, इसमें सभी का हाथ है इस देश के जो है स्वतंत्रता में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, हम लोग मिल के रहें, चाहे किसी भी संप्रदाय को और कोई भी त्यौहार हो, हम मिल के रहें जैसे हम पहले रहते थे। मुझे लगता है कि पहले जो है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे जब हम लोग बचपन में थे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी लोगों में दूरियां आ गई हैं, तो दूरियां मैं ये कहता हूँ कि जो है आज जो है तो दूरियां कम होनी चाहिए, बनस्पत की आज जो है लोगों में दूरियां इसलिए आ गई है कि लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जो है अच्छा सोचे, सही सोचे, देश के हित में सोचे, पर्सनली न सोचे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.